إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا معزز حاضرين ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے بعدہ بیش بہا درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محترم بزرگوں اور دوستوں نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں پردہ نشین پیاری مائیں اور بہنیں 19/1/2024 کے اس خطبہ جمعہ میں جو موضوع لے کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ موضوع ہے اتحاد ملت اس موضوع کے کئی ایک حصے ہیں کئی ایک پہلو ہیں ایک حصہ ہے اتحاد کی اہمیت اور اس کے فوائد دوسرا جز اور دوسرا پہلو ہے اختلاف کی مضرتیں انتشار کے نقصانات اور اس کی تباہ کاری اور تیسرا پہلو ہے اختلاف ہوتا کیوں ہے اختلاف کی بنیاد کیا ہے اور چوتھا حصہ ہے اتحاد کی بنیاد کیا ہے تو آئیے سب سے پہلے ہم اس موضوع کے پہلے حصے پر گفتگو کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم کہ اللہ نے ان کے دلوں کو ملا دیا اے مسلمانوں اگر تم دنیا کے تمام مال و زر خرچ کر کے بھی اتحاد کی یہ دولت اتحاد کی یہ نعمت حاصل کرنا چاہتے تو حاصل نہیں کر سکتے یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ اتحاد اتنی اہم چیز ہے کہ دنیا کے تمام مال و زر کے عوض بھی اسے خریدا نہیں جا سکتا ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اس کا ایک احسان ہے کہ اس نے مسلمانوں کو یہ نعمت فری میں دے دی ہے اتحاد یہ امت مسلمہ کا
हमेशा से सरमाए इफ्तिखार मौजू रहा है। हमारा कलमा कलमे तौहीद है जिससे इस्लामी जिंदगी की इब्तिदा होती है। क्या इस कलमे तौहीद के अलावा कोई दूसरा कलमा है? हमारा कलमा कलमे तौहीद है। हमारा माबूदे बरहक अल्लाह है। हमारा रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। हमारा हमारी किताब कुरान मजीद भी है। हमारा क़िबला काबा अल बैतुल्लाहिल हराम भी है। मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी है। एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी है। हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी है। कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी है। मालूम यह हुआ कि इंसानी सआदत का राज वहदत, इज्तिमा और इत्तेहाद के अंदर मुजमर है। और आपको यह सुनकर के हैरत होगी कि नमाजी मुसल्ली, चाहे वो मुनफरिद हो, चाहे वो मुक्तदी हो, चाहे वो इमाम हो, किसी भी कैफियत हो, किसी भी हालत में हो, उसके ऊपर सूरह फातिहा का पढ़ना फर्ज है, लाजिम है। और सूरह फातिहा के अंदर एक ऐसी जामे दुआ है कि उतनी जामे दुआ पूरे कुरान के अंदर कहीं नहीं है। तो चाहे मुनफरिद हो, चाहे मुक्तदी हो, चाहे इमाम हो, उसे ये दुआ हर हाल में पढ़नी ही पढ़नी है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ज़मीरे जमा मुतकल्लिम ही इस्तेमाल करना है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम नहीं कह सकते आप, जैसे कुनूते वितर में पढ़ते हैं अल्लाहुम्म हदिनी फीमन हदैत, यहां पर भी वही पढ़ना चाहिए, अल्लाह इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। लेकिन नहीं, अल्लाह ने कहा कि नहीं, तुम अकेले नमाज पढ़ो, तुम जमात के साथ नमाज पढ़ो, चाहे इमाम पढ़ाए। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम ही कहना है कि फर्द की हस्ती कोई हस्ती नहीं है, हस्ती अगर है तो जमात की है, जमीयत की है, इत्तेहाद की है, वहदत की है, इज्तिमा की है। अकेले की हस्ती कौन सी हस्ती होती है? नमाज़े जुमा के ऊपर गौर कर लीजिए, हर मुसलमान मुकीम के ऊपर नमाज़े जुमा फर्ज है, इल्ला ये कि वो किसी मर्ज में मुब्तला हो। नमाज़े ईदैन के लिए हुक्म दिया गया कि तमाम फर्जंदाने तौहीद अपने घरों से निकल करके ईदगाह के मैदान में पहुंचे। यहां तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को हुक्म दिया कि अगरचे वो हालत हैज में हो, तब भी वो ईदगाह की तरफ निकले, नमाज में शामिल ना हो, मगर मुसलमानों की दुआओं में जरूर शिरकत करें। तो नमाज जुमा की फर्जियत और ईदैन में, ईदगाह में हम तमाम मर्दों और औरतों की हाजिरी पर अगर गौर करें तो बात खुल करके नुमाया हो जाएगी कि हस्ती अगर किसी चीज की है तो वहदत की है, इत्तेहाद की है, इज्तिमा की है। और पूरे कुरान में कहीं ये नहीं कहा गया नमाज पढ़ो, कहा गया अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। अकेले कोई आदमी नमाज कायम कर सकता है? इशारा इस बात की तरफ है कि एक तरफ जहां नमाजें बाजमात अदा करना है, वहीं जमाती नज्म भी मौजूद होना चाहिए। ज़कात की गर्ज़ोगायत इसके अलावा और क्या है कि इस्लामी जिंदगी की बका और उसके इस्तेहकाम की तरफ तमाम फर्जंदाने तौहीद को मुतवज्जे किया जाए। तूख़ज़ु मिन अग़नियाइहिम व तुरद्दु इला फ़ुक़राइहिम, ज़कात समाज के मालदार लोगों से ली जाएगी और उन्हीं के फुकरा और मसाकीन में तकसीम कर दी जाएगी। ये फलसफा है, तूख़ज़ु मिन अग़नियाइहिम व तुरद्दु इला फ़ुक़राइहिम, उन्हीं के फकीरों में, उन्हीं के मोहताजों में, उन्हीं के मुस्तहिक़ीन में तकसीम की जाएगी। आज अलमिया क्या है, ज़कात न जाने कहाँ कहाँ किस किस कोने, किस किस अल्लामा मौलवी और जमीयत और जमात को भेजी जा रही है। समाज के लोग परेशान हाल हैं, किराया नहीं दे पा रहे हैं, समाज के लोग तालीम की फीस अपने बच्चों की नहीं अदा कर पा रहे हैं, समाज के लोग खाने के लिए टाने के लिए तरस रहे हैं और मालदार साहब अपने ज़कात को न जाने कहाँ कहाँ भेज रहे हैं, जायज नहीं है। हदीस रसूल के तुरंत तो इलाफों पर आई ही मुनी के फकीरों मोहताजों में ज़कात को तकसीम किया जाएगा। तो ज़कात की गर्ज़ो गायत के अंदर यही फलसफा मुसमर है कि वहदत होना चाहिए समाज के अंदर, इज्तिमा होना चाहिए। हज की गर्ज़ो गायत इसके अलावा क्या है?
कि तमाम फरजंदार तौहीद को, तमाम हाजी को मैदान अरफात में इकट्ठा होने और हाजिर होने का हुक्म दिया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, अल्लाह के रसूल हज क्या है? तो आपने फरमाया अल-हज्जु अरफा, हज तो अरफा ही है, अरफात के मैदान में हाजिरी ही हज है। लिहाजा अरफात के इज्तिमा और उसके मंजर को देख लीजिए तो वहदत और इज्तिमा और इत्तेहाद की अहमियत का अंदाजा नुमाया हो जाएगा। आप अपने बदने इंसानी पर गौर कर लीजिए, 360 जोड़ों से मुरक्कब बना हुआ आपका ये जिस्म, ये मुत्तहिद हुआ, 360 जोड़ इकट्ठे हुए तो बदने इंसानी वजूद में आ गया। अगर इन्हीं 360 जोड़ों को मुंतशिर हालत में कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, इंसान का वजूद खत्म हो जाएगा। समंदर किसको कहते हैं? कतरात के मजमुए का नाम समंदर। अगर तमाम कतरात को मुंतशिर हालत में कर दिया जाए, समंदर का वजूद खत्म हो जाएगा। दरख्त किसको कहते हैं? जड़, तना, शाखें, टहनियां, पत्ते, फल, इन तमाम चीजों के मजमुए का नाम दरख्त है। जड़ को अलग कर दिया जाए, शाख को अलग कर दिया जाए, तने को अलग कर दिया जाए, पत्तियों को अलग कर दिया जाए, दरख्त का वजूद खत्म हो जाएगा। रेगिस्तान के अंदर जो जर्रात होते हैं इतने बेवकात होते हैं कि हवाएं और तूफान उन्हें जहां चाहती उड़ा करके लेके चली जाती हैं। लेकिन अगर वही जर्रात बाहम मिलकर के मजबूत चट्टान बन जाए तो बड़े से बड़ा तूफान भी उन्हें अपनी जगह से हिला नहीं सकता है। यह है इत्तेहाद की अहमियत, यह है इत्तेहाद की ताकत, यह है इत्तेहाद का पावर। बड़े से बड़ा चट्टान भी उसे अपनी जगह पर हिला नहीं सकता है। वो मुंतशिर हालत में है, इस वजह से वो बेवकात और कमजोर है, हवाएं जहां चाहती उड़ा करके लेके चली जाती है। तो इन तमाम बातों से ये बात वाजे हो गई कि इत्तेहाद एक ताकत है, इत्तेहाद एक कुव्वत है, इत्तेहाद एक पावर है। और यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह तबारक व तआला ने जगह जगह मुसलमानों को मुत्तहिद रहने का हुक्म दिया है। मुसलमानों मुत्तहिद रहो, आपस में मिलजुल करके रहो, इख्तलाफ से बचो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मसलुल मुमिनीन फी तवादिहिम व तराहुमिहिम व तआतुफिहिम كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذِ اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْهُمَّةِ कि मुसलमानों की मिसाल आपस में एक दूसरे के ऊपर रहम करने, एक दूसरे को से मोहब्बत करने, एक दूसरे के ऊपर शफकत करने में जिसमें वाहिद की तरह है, एक जिस्म की तरह है। मुसलमानों टटोलो अपने ईमान को, जायजा लो अपने गिरेबानों का, क्या मुसलमान आज एक जिस्म है, एक जान है? रसूलुल्लाह की हदीस कह रही है, जिसमें वाहिद एक किस्म की तरह है, कमतल जसद इदिश्तका मिन्हु उज़्व। यही वजह है कि कुरान में अल्लाह तबारक व तआला बार बार मुसलमानों को मुत्तहिद रहने का हुक्म देता है। मुत्तहिद रहोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें कुचल नहीं सकती है, तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं कर सकती है। दूसरा हिस्सा इस मौजू का है इख्तिलाफ की मजरतें और उसकी तबाहकारी। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا कि मुसलमानों जब तक तुम मुंतशिर हालत में थे एक दूसरे के दुश्मन थे। गोया मुंतशिर रहना अपनी हलाकत का सामान पैदा करना है। मुशे दायान इसराइल का एक साबिक वजीर आजम गुजरा है, वो अपनी खुदनविश सबाने उम्री द स्टोरी ऑफ माई लाइफ मेरी जिंदगी की कहानी, उसमें वो लिखता है कि ये गैर मुत्तहिद अरब जो बिखरे हुए हैं, मुंतशिर हालत में हैं और हमेशा लड़ते रहते हैं, कोई छोटा मसला हो या बड़ा मसला हो, हर छोटे बड़े मसले के ऊपर लड़ते रहते हैं, ये इसराइल के लिए कोई खतरा नहीं बन सकते। मुशे दयान कह रहे हैं इसराइल के लिए कोई खतरा नहीं बन सकते। आप देखिए पूरे दुनिया के अंदर मुसलमानों की तादाद कितनी है, कितने सारे 58 इस्लामी ममालिक हैं, इसके बावजूद इसराइल दुनिया के छोटे से रकबे में मौजूद है, पूरी दुनिया की नाक में दम कर रखा है, तबाहियों पर तबाहियों का सिलसिला जारी की हुई है, मगर इतने सारे मुसलमान, इतने सारे इस्लामी ममालिक सब काबिल गफलत में शिकार है। क्यों? मुंतशिर हालत में है। और मुंतशिर हालत में रहने वाली कोई भी कौम दुनिया में कभी भी कोई भी बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दे सकती।
और आगे अल्लाह तबारक व तआला एक बात फरमा रहा है, मुसलमानों वकुंतुम अला शफा हुफरतिन मिनन नार, तुम लोग आग के गढ़े के किनारे पर खड़े थे, फअनकदकुम मिनहा, अल्लाह ने तुम्हें इत्तेहाद की बरकत की वजह से उस आग के गढ़े से बचा लिया तुम्हें। शफा अरबी में किनारे को बोलते हैं, और किनारा जानते हो उसको कहते हैं, समंदर के किनारे आगे की तरफ जमीन का निकला हुआ हिस्सा जिसको समंदर के पानी ने नीचे से काट दिया हो, जाहिर है कि वो बिल्कुल हवा में मुअल्लक होगा, समंदर का पानी बह रहा हो कहीं पानी उसका, और उसके किनारे कोई जमीन हो और पानी जमीन के अंदर से जमीन के सारे हिस्से को काट दिया हो, जाहिर है ऊपर उभरा हुआ जो हिस्सा होगा वो बिल्कुल हवा में मुअल्लक होगा, कोई आदमी उसके ऊपर खड़ा होगा फौरन गिर जाएगा, उसी को अरबी में शफा बोलते हैं। वकुंतुम अला शफा हुफ्रतिन मिनन नार, ऐ मुसलमानों तुम लोग आग के गढ़े के उसी किनारे पर खड़े थे, आग के गढ़े, अल्लाह ने तुम्हें उस गढ़े से बचा लिया, एक तो आग है, दूसरे आग का दरिया है, हुफ्रतुन मिनन नार, उसी पर तुम खड़े थे, इत्तेहाद की बरकत की वजह से अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। सवाल यह है कि अल्लाह ने इख्तलाफ को, इंतजार को आग से क्यों तशबीह दिया है, आग से क्यों ताबीर दिया है, क्या है इख्तलाफ को आग से तशबीह? जवाब इसका यह है, आपके घर में चोरी हो जाए तो कुछ खास नुकसान नहीं होता, कुछ पैसे और जेवरात वगैरह चले जाते हैं, लेकिन बकिया साजो सामान अपनी जगह पर बाकी रहते हैं, बच्चे सही सलामत रहते हैं, आपका घर अपने मकान, मकान आपका अपनी जगह पर बाकी रहता है, लेकिन अगर आपके घर में आग लग जाए तो कुछ बाकी नहीं रहता, सब कुछ जल करके राख हो जाता है, सब कुछ जल करके राख हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इख्तलाफ को आग से तशबीह दे करके ये तासुर देना चाहा है कि इख्तलाफ में मुब्तला रहने वाली कोई भी कौम, कोई भी जमात, कोई भी फर्द ये दुनिया में कभी भी पनप नहीं सकते हैं, दुनिया में कभी भी ये सर उठा करके जी नहीं सकते हैं, दुनिया में कभी भी कोई बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दे सकते। इख्तलाफ करने वाले लोग, इख्तलाफ में मुब्तला रहने वाली कोई भी जमात, कोई भी समाज, कोई भी सोसाइटी, ये कभी भी दुनिया में पनप नहीं सकते। और आगे अल्लाह एक बात कह रहा है, कदालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही, और एक बात आप गौर करें, अपने जहन में बिठा लें कि आयत करीमा का आखिरी लफ्ज़ दर हकीकत पूरी आयत करीमा का खुलासा और पूरी आयत की हकीकत को जाहिर करता है, आयत का इख्तिताम एक लफ्ज़ के ऊपर हो रहा है, अल्लाह कह रहा है कदालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही, अल्लाह इसी तरह खोल खोल करके अपनी निशानियां, अपनी आयतें बयान करता है ताकि तुम लअल्लकुम तहतदून, हिदायत पा जाओ, हिदायत के रस्ते पे चलने लगो। आयत करीमा के इख्तिताम पर मौजूद ये लफ्ज बता रहा है कि दुनिया के अंदर इख्तलाफ के मौके पर कायम रहने वाले लोग ये कभी भी हिदायत नहीं पा सकते, ये इख्तलाफ करने वाले लोग हिदायत के रास्ते पर नहीं बल्कि जलालत के रास्ते पर चल रहे हैं। इख्तलाफ करने वाला कभी हिदायत नहीं पा सकता है। आज लोग एक झूठी और मनगढ़ंत हदीस पेश करते हैं, इख्तलाफ उम्मती रहमा, मेरी उम्मत का इख्तलाफ रहमत है, झूठी मनगढ़ंत हदीस है, सनदन और मतनन हदीस सही नहीं है, और कुरान करीम की आयत के बिल्कुल सरीह खिलाफ है। कुरान बोलता है उलाइका अज़ाबुन अज़ीम, ये तो अज़ाब अज़ीम है, इख्तलाफ ये अज़ाब अज़ीम है, और ये लोग कह रहे हैं कि इख्तलाफ रहमत है, ये रहमत नहीं जहमत है। और आप चौथा पारा उठाइए, मुताला कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला ने जंग उहुद का एक मंजर पेश किया है कि इब्तदाए जंग में, आगाज जंग में अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को इत्तेहाद की वजह से, मुत्तहिद रहने की वजह से फतह से नवाज दिया, कामयाब कर दिया, लेकिन मामूली से इख्तलाफ की वजह से, मामूली से इख्तलाफ, वो फतह शिकस्त से बदल गई। और कैसी शिकस्त, चश्मे सदन में 70 साहब इकराम शहीद हो गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद कर दिए गए, खून की कड़ियां आपके सरे मुबारक में घुस गई, आप एक गड्ढे में जाकर गिर गए। पासा कैसे पलटा, फतह हार
जीत जो है हार के अंदर बदल गई। कैसे? अल्लाह ने फरमाया وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَ اسْتَحُسُّونَهُ بِإِذْنِهِ, तहकीक कि अल्लाह ने अपना वादा सच कर दिखाया जब तुम अल्लाह के हुक्म से आधा इस्लाम को काटते हुए चले जा रहे थे। حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ, तुम लोगों ने आपस में इख्तलाफ किया, देखो आपस में तनाज़अतुम फिल अम्र, इख्तलाफ किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के शुरू में पोजीशनें कायम कर दी, जबले एरेन पर 50 तीरंदाजों को आपने मुकर्रर फरमा दिया और आपने हुक्म दिया कि हम मैदान में लड़ेंगे, हम वहां हारे या जीते तुम लोग ये नाजुक मोर्चा नहीं छोड़ना। जब तक उन लोगों ने नबी की बात मानी, मुत्तहिद रहे, इत्तेहाद का दामन थामे रखा, अल्लाह ने फतेह से नवाज दिया। लेकिन जब देखा कि अब तो हम जंग जीत चुके हैं, फतेह मिल गई है, सारे सहाबे किराम माले गनीमत लूट रहे हैं, हम क्यों पीछे रहे हैं? नबी की नाफरमानी की, इत्तेहाद के दामन को छोड़ दिया उन्होंने, जिसको कुरान कहता है मिनकुम मन युरीदु दुनिया व मिनकुम मन युरीदु आखिरा। कुरान बोलता है दुनिया की चाहत माले गनीमत के चक्कर में खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला, ये उस वक्त इस्लाम नहीं लाए थे, ये ऐसे सहाबी हैं इन्होंने हालत कुफ्र और हालत इस्लाम में कोई भी जंग इन्होंने हारी नहीं। इन्होंने जब देखा कि जबले एनान पर मुकर्रर 50 तीर अंदाज, उसमें से कुछ चले गए हैं, पहाड़ से घूम करके पीछे से आकर के अटैक करके हमला कर दिया। नतीजा क्या हुआ? जो लोग जबले एनान पर बाकी थे वो भी मारे गए, और जो लोग मैदान जंग में अपनी तलवारें नियामों के अंदर डाल करके माले गनीमत लूट रहे थे वो भी मारे गए। फत शिकस्त में बदल गई। मामूली से इख्तलाफ की वजह से रसूलुल्लाह ने कहा था ये नाजुक मोर्चा नहीं छोड़ना, वहां पर आपस में इख्तलाफ, बाज लोगों ने कहा कि अब तो हम जीत चुके हैं इसलिए चलो माले गनीमत, बाज ने कहा कि नहीं रसूलुल्लाह का हुक्म है कि जब तक मेरी इजाजत नहीं हिलना नहीं यहां से। मामूली से जरा गौर करो, इख्तलाफ चंद लोगों ने किया था, थोड़े लोगों ने इख्तलाफ किया, लेकिन सजा सबको मिल रही है और अल्लाह का ये कानून सबके लिए है। सहाबे किराम तक के लिए कानून बदला नहीं गया कि इख्तलाफ करोगे तो सजा मिलेगी, इख्तलाफ चंद लोग करेंगे सजा सबको मिलेगी। और उस सजा की लपेट में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आ गए। ये अजीबो गरीब बात है तारीख इस्लाम का, अजीबो गरीब वाकया है तारीख इस्लाम का। तो ये इख्तलाफ की मजरत है, इख्तलाफ करोगे सजा मिलेगी। इख्तलाफ करने वाली कौम दुनिया में कभी भी पनप नहीं सकती है, कोई बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दे सकती। सवाल यह है इख्तलाफ की वजह क्या होती है और इत्तेहाद की बुनियाद क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया अतीउल्लाह व रसूलहु वला तनाज़ऊ, कि मुसलमानों इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की, और लड़ाई ना करो, इख्तलाफ ना करो। इस आयत करीबा को हम बहुत सुनते हैं, बहुत पढ़ते हैं और ऐसे ही गुजर जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने एक बहुत बड़ी हकीकत को बयान किया है कि इख्तलाफ की बुनियाद अल्लाह और उसके रसूल की इताअत से इन्हिराफ। आज यही दोनों चीजें मुसलमानों के दामन से खाली है, मुसलमानों के पास नहीं है। एक इताअत इलाही नहीं है, इताअत रसूल नहीं है, और दूसरे मोहब्बत इलाही और मोहब्बत रसूल नहीं। मुसलमानों का दामन इताअत इलाही और इताअत रसूल, मोहब्बत इलाही और मोहब्बत रसूल से खाली है। इस वजह से दुनिया में बेवकत होकर के रह गए, दुनिया के अंदर इनकी कोई हैसियत नहीं है मुसलमानों की। और आज हम अपने बच्चों को यही दोनों चीजें नहीं सिखाते, सब कुछ सिखाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे, मगर इताअत इलाही, इताअत रसूल, मोहब्बत इलाही और मोहब्बत रसूल नहीं सिखाएंगे, नहीं बताएंगे। हमारे बच्चे सब जानेंगे, अंग्रेज बनेंगे, साइंसदान बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, मगर पूछा जाए इताअत इलाही किसको कहते हैं, इताअत रसूल किसको कहते हैं, मोहब्बत रसूल किसको कहते हैं, मोहब्बत इलाही किसको कहते हैं, नहीं पता है। और यही वजह है दुनिया की सारी ताकतें मुसलमानों को जब चाहती हैं, जहां चाहती हैं, कुचल करके, मसल करके रख देती हैं। आज दुनिया में मुसलमानों की तादाद कितनी है, लेकिन हैसियत
खशो खाशाक की तरह है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस, आपने इरशाद फरमाया, यूशकुल उमम अन तदा अलैकुम कमा तदा अल अकलत इला कसअतिहा فقال قائل من قلة نحن يومئذ قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثار غثيثين। हजरत सौबान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि करीब है कि दुनिया की तमाम कौमें तुम्हारे ऊपर धावा बोलते हैं, तुम्हारे ऊपर धावा बोलते हैं, अटैक करते, हमला करते तुम्हारे ऊपर। कमा तदा अल अकलत इला कसअतिहा, जैसे भूखे दस्तरखान के ऊपर धावा बोलते थे, भूखे दस्तरखान के ऊपर टूट पड़ते हैं दुनिया की तमाम कौमें, तुम्हारे ऊपर ऐसे ही टूट पड़ेंगे। फकाल कायल, किसी सवाल करने वाले ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिन किल्लतिन नहनु यौमैदिन, क्या उस दिन हमारी तादाद कम होगी, क्या हम तादाद में कम होंगे? कहा नहीं, बल अंतुम यौमैदिन कसीर, तुम उस दिन बहुत ज्यादा होगे, तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी। वलाकिन्नकुम गुसान का गुसा इस्सैल, लेकिन तुम्हारी जो हैसियत होगी खशो खाशात, सैले रवा में बह जाने वाले तिनके की तरह होगी। और क्या होगा, وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ, और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारा रोब निकाल देगा। मुसलमानों का एक रोब होता है, आज कहां है मुसलमानों तुम्हारा रोब, तुम्हारा दबदबा? अल्लाह ने वही रोब वही दबदबा निकाल करके रख दिया है। और क्या है, आगे रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि दुश्मनों के दिलों से तुम्हारा रोब निकल जाएगा और तुम्हारे दिलों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला वहन डाल देगा। सहाबा इकराम ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वहन क्या है? तो आपने फरमाया, हुब्बुद दुनिया व कराहियत, दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की लालच और मौत से नफरत। मुसलमानों, क्या आज यही दोनों चीजें हमारे अंदर नहीं है? बस हाय दुनिया, हाय दुनिया, और मौत का नाम ले लो तो पसीने आ जाते हैं, पसीने छूट जाते हैं मौत का नाम सुन करके। क्यों? आमाल वैसे नहीं है, ईमान वैसा नहीं है। इस हदीस के अंदर दो जुमलों पर मैं जरा वजाहत करना चाहता हूं, दो जुमले। एक जमाना ऐसा आएगा कि तुम माली एतबार से, तादाद के एतबार से बहुत ज्यादा होगे, कसीर होंगे, लेकिन तुम्हारी हैसियत दुनिया की तमाम कौमें तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेगी, तुम्हारी हैसियत खशो खाशात की तरह हो जाएगी। इन दो जुमलों के अंदर शुरूर, फिक्र, आगही के बहुत सारे मामलात बयान कर दिए गए। गौर करो कि तुम दस्तरखान पर लुकमा बन जाओगे, जैसे भूखे दस्तरखान के ऊपर टूट पड़ते हैं। दस्तरखान के ऊपर कोई चीज लुकमा कब बनती है? किसी भी चीज को दस्तरखान के ऊपर लुकमा बनाने के लिए पहले किसी जानवर को जबा किया जाता है, फिर उसकी खाल उधेड़ी जाती है, फिर उसको बोटी बोटी बनाया जाता है, फिर उसको आग के ऊपर पकाया जाता है, फिर वो दस्तरखान पर लुकमा बनने के लिए तैयार होता है। अरे मुसलमानों, तुम्हें मानवीय एतबार से, ज़हनी एतबार से तुम्हें सबा कर दिया जाएगा, तुम्हारी कुव्वत फिक्र के अंदर आग लगा दी जाएगी, तुम्हारी सोच मुस्तहिल हो जाएगी। तुम फैसला भी करना चाहोगे तो फैसला नहीं कर पाओगे, तुम कुछ करना भी चाहोगे तो नहीं कर पाओगे। दुश्मनान इस्लाम तुम्हारे फिक्र के अंदर आग लगा देंगे। कुव्वते फिक्र व अमल पहले पना होती है, तब किसी कौम की अजमत पर, शौकत पर सवाल आता है। तुम्हारी कुव्वते फिक्र के अंदर आग लगा दी जाएगी, तब फिर जिस तरह दुश्मनान इस्लाम तुम्हें चाहेंगे, जहां चाहेंगे वो मार लेंगे, काट लेंगे, मसल करके रख देंगे।
सफाए हस्ती से दुश्मनों को मिटाने के लिए तुम्हें दुश्मनों को तुम्हें मिटाने के लिए वक्त नहीं लगेगा, देर नहीं लगेगी। और दूसरा जो जुमला है इसी पहले जुमले की तफसीर है, गोसान का गोसाई से इतिहास की ताकत को बयान किया गया है। दिन का पत्ते, गौर करो ये पत्ते ये दिन के जब तक अपनी जड़ों से अपने दरख्त से जुड़े रहते हैं, बड़े से बड़ा तूफान आता है, हवाएं आती हैं उन्हें झूला झूला करके चली जाती है, बारिशें आती हैं उन्हें नहला धुला करके आगे बढ़ जाती हैं, लेकिन यही पत्ते जब अपने दरख्त को छोड़ देते हैं, अपने असल को छोड़ देते हैं, हवाओं के रहम करम पर हो जाते हैं, हवाएं जहां चाहती हैं उन्हें उड़ा करके लेके चली जाती हैं। यही यकीन का है खशो खाशात की तरह तिनके की तरह सैले रवा में बह जाने वाले तुम्हारी हैसियत ही हो जाएगी। वक्त ज्यादा हो रहा है, अल्लाह तबारक व तआला हमें इस मौजू को समझने की तौफीक अता फरमाए, आपस में मुत्तहिद रहने की तौफीक अता फरमाए, इख्तिलाफ से बचने की तौफीक अता फरमाए, इंतशार से बचने की तौफीक अता फरमाए। इत्तेहाद यकजहती और इज्तिमा ये उम्मत इस्लामिया का पावर है। मामूली से इख्तिलाफ की वजह से आदमी को अपने जमात का अपनी जमीयत का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान सैकड़ों मसाइल में इख्तिलाफ थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद मीना के अंदर कसर के कायल थे, दो रकात नमाज पढ़ने के कायल थे। उस्मान गनी कहते थे कि नहीं, चार पढ़ना, कसर नहीं करना। मीना के मकाम पर हजरत उस्मान गनी इमामत करा रहे हैं, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद अपने गुलाम के साथ पहुंच गए, देखा कि हजरत उस्मान गनी के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं चार रकात, और ये फतवा दे रहे हैं, ये मसला बयान कर रहे हैं, तो ही पढ़ना है। जब नमाज खत्म हो गई तो उनके गुलाम ने कहा कि हजरत आप तो मसला बताते हो दो पढ़ना है और यहाँ चार पढ़ रहे हो। कहने लगे अल इख्तिलाफ शर्रुन, इख्तिलाफ ये बुराई है, ये बुराई को जन्म देता है। देख रहे हैं बसा औकात आदमी के अंदर इख्तिलाफ आता है, लेकिन उस इख्तिलाफ को बाहर नहीं करना चाहिए जो बुराई गुनाह और समाज के अंदर नासूर बन जाए। इख्तिलाफ बहुत बुरी लानत है, इख्तिलाफ जहमत है, इख्तिलाफ अजाब अजीब है जिसको कुरान ताबीर कर रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इख्तिलाफात से बचाए, हमें इत्तेहाद और मुत्तहिद रहने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला हमें अच्छी समझ और अच्छे अमल की तौफीक अता फरमाए। अकूलु लकुम मा तस्मऊन व अस्तगफिरुल्लाह लि व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन, वस्तगफिरूहु इन्नहु वल गफूरुर रहीम।